जब पिच बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल प्रतिकूल हो, बॉल बैट पर आने से इनकार कर रही हो, परिस्थितियां विकट हों, तो ऐसे में सिर्फ एक नाम ही बार बार याद आता है और वो नाम है राहुल द्रविड़। द वॉल यानी दीवार के नाम से मशहूर ये महान बल्लेबाज दुनिया का एकमात्र खिलाड़ी है जिसने टेस्ट क्रिकेट में 30,000 से भी अधिक गेंदें खेली हों। आइए आज हम क्रिकेट के वन ऑफ द नाइसेस्ट गाय राहुल द्रविड़ की प्रशंसा में कहे गए प्रसिद्ध कथनों को जानते हैं। क्रिकेट को जेंटलमैन का गेम कहा जाता है, राहुल द्रविड़ ऐसा ही है। तुम उससे कहो कि उसने अच्छा खेला और वो बोलेगा कि कोई और भी अच्छा खेला। मुझे नहीं पता कि वो इंसान है, एक इंसान इतना निस्वार्थ कैसे हो सकता है। अगर मुझे अपनी जिंदगी के लिए किसी से बैटिंग करानी होती तो वो कैलिस या द्रविड़ होता। द्रविड़ नए खिलाड़ियों के लिए एक परफेक्ट रोल मॉडल है। उसने हम सभी के लिए एक महान उदाहरण पेश किया है। हम सभी इस मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ को द वॉल बिल्कुल सही कहते हैं, उसे किला भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बार जब द्रविड़ जम जाता तो उसे आउट करने के लिए आपको ऐसे बॉलिंग करनी होती जैसे आप एक साथ एक दर्जन बंदूकों से उसे उड़ा रहे हों। द्रविड़ का शानदार करियर साबित करता है कि अच्छे लोग लास्ट नहीं आते। वो औरों की तरह नहीं है जो हर बॉल पे रन बनाना चाहता हो, और उसके गेम में कोई असल कमजोरी नहीं है। द्रविड़ मेरी तरह अटैकिंग क्रिकेट खेल सकता है, लेकिन मैं कभी भी उसकी तरह नहीं खेल सकता। अगर तुम सचमुच एग्रेशन देखना चाहते हो तो द्रविड़ की आंखों में देखो। पहले 15 मिनट में उसका विकेट ले लो, अगर नहीं ले सकते तो बाकी के विकेट्स लेने की कोशिश करो। राहुल द्रविड़ एक ऐसा खिलाड़ी है जो टूटे हुए कांच पर चल देगा अगर उसकी टीम उससे ऐसा करने को कहती है। मैंने राहुल को अपनी इनिंग्स खेलते हुए देखा है और वो कुछ ऐसा है जिसे मैं खुद करना चाहता हूँ। टीम खतरे में है, आप किसके पास जाएंगे? राहुल द्रविड़। इस दौर में बिना किसी शक के राहुल द्रविड़ भारत का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। वो भेड़िया जो झुंड के लिए जिया, कुछ इसलिए सफल हुए क्योंकि वे डेस्टिन्ड थे, लेकिन वो इसलिए सफल हुआ क्योंकि वो डिटर्मिन्ड था। टाइम एंड टाइड किसी का इंतजार नहीं करते सिवाय राहुल द्रविड़ के। वो शायद सबसे अच्छा इंसान है, नहीं, वो सबसे अच्छा इंसान है जिससे मैं क्रिकेट में मिला हूं। हर कोई सचिन तेंदुलकर की प्रशंसा करता है, वो खुद में एक जीनियस हो सकता है, लेकिन मेरी बुक में राहुल द्रविड़ एक कलाकार है। द्रविड़ का डिफेंस, उसके स्ट्रोक्स, उसकी शिष्टता सचमुच अद्भुत है। हालांकि सचिन महान है, लेकिन मैंने हमेशा राहुल को अधिक सॉलिड और आउट करने में कठिन पाया है। अगर मंगल ग्रह का कोई प्राणी पृथ्वी पर आता और उससे कहा जाता कि दुनिया का बेस्ट बैट्समैन इस मैच में खेल रहा है, तो उसे लगता वो राहुल द्रविड़ है, सचिन तेंदुलकर नहीं। राहुल एक कंप्लीट क्रिकेटर है। अगर आप द्रविड़ के साथ अच्छे से नहीं रह सकते तो आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। सचिन भगवान है, सौरव ऑफ साइड का भगवान है, लक्ष्मण चौथी इनिंग्स का भगवान है, लेकिन जब मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भगवान भी दीवार के पीछे चले जाते हैं। अगर पिच बैटिंग ब्यूटी हो, मुझे सहवाग या लक्ष्मण दो। अगर बड़े धुरंधर बॉलर्स बॉलिंग करने वाले हों, मुझे तेंदुलकर दो। लेकिन अगर बारूदी सुरंग बिछी हो तो मुझे द्रविड़ दो। अगर कोई एक भारतीय खिलाड़ी लेट 90s की फेमस ऑस्ट्रेलियन टीम में सीधे एंट्री पा सकता तो वो राहुल द्रविड़ होता। किसी भी बॉलर से पूछिए और वो कहेगा कि सभी महान खिलाड़ी अपनी इनिंग की शुरुआत में उन्हें आउट करने का एक हाफ चांस देंगे सिवाय राहुल द्रविड़ के। अगर मैं सिर्फ 2 सेट इनफॉर्मल कपड़े पैक कर दूं, वो पूरे टूर के दौरान उन्हीं को बदल बदल कर पहनता रहेगा और उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। जब बात स्टाइल की आती है तो मुझे राहुल द्रविड़ सबसे स्टाइलिश लगता है। बॉक्सिंग की भाषा में कहें तो वो बिना किसी के नोटिस किए अपने मुक्के मारता है और अंत में विरोधी घायल हो जाता है। कहते हैं कि खेल उत्कृष्टता के ज्वलंत उदाहरण पेश करके समाज की सेवा करता है। मेरे लिए सबसे साफ और भरोसेमंद उदाहरण राहुल द्रविड़ है। तो दोस्तों, ये हो गए राहुल द्रविड़ की प्रशंसा में कहे गए कुछ बेहद फेमस कोट्स। यदि आप भी अपने इस चहेते खिलाड़ी के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपको द वॉल पे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें,
और अगर आगे भी आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।